Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you are new to this channel, my name is Divya Jain. So, आपको पता है कि अभी मेरा YouTube पे बहुत ज्यादा लॉन्ग ब्रेक आ चुका था बिकॉज बहुत सारे वर्क सामने थे. दिवाली के कंस्ट्रक्शन वर्क्स घर पे चालू थे तो मैं YouTube बनाने पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था. मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं हुआ. और जो मेरे जो 3-4 वीडियोस बने हुए थे वो तब पूरे डिलीट हो चुके थे तो मैं बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पाई वीडियोस. बट नाउ आई एम बैक. सो अब मैं वीडियो यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी. आज मैं एक हेलोवीन लुक जो अभी क्रिएट करूँगी, वो एक्चुअली हेलोवीन आने वाला है, उसके लिए मैं क्रिएट करने वाली हूँ. मैं आपको पिक्चर सीधा इंसर्ट कर दूंगी, अब वो देख लेना. बट जस्ट अभी गेट स्टार्ट करते हैं. चलिए, सो आपने पहले पिक्चर देख ही लिया होगा. फर्स्ट मुझे यहाँ पे बटरफ्लाइज बनाने हैं और यहाँ पे इसे ड्रॉ करके, यहाँ पे शायद वो तीत बोल सकते हैं, वही है, ये लुक है. आपने पिक्चर देखा ही होगा, मैंने पिक्चर लगा लिया तो मैं ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ. मैंने एक्चुअली इससे कुछ इंटरेस्टिंग करने की सोची थी बट नहीं हो पा रहा है. और यहाँ पे आईब्रोज हाइड किए हुए हैं, मैं उसको कुछ नहीं करने वाली. मैं सिर्फ इसी को भी यूज कर लूंगी उसमें, ताकि ये ज्यादा अलग ना लगे. बस मैं इसको कोशिश करूंगी कि मेरा ये लुक क्रिएट हो जाए. मैं अपना 100% नहीं दूंगी पर मैं अपना पूरा ट्राई करूंगी ताकि ऐसा लुक बन सके. तो अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट, ताकि ये लुक जल्दी क्रिएट हो सके और मैं आपको बता पाऊँ. तो फर्स्ट मैं यहाँ पे वाइट काजल लूंगी, ये बता देती हूँ. मैं VOV ब्रांड का है, वाटरप्रूफ काजल यूज करूंगी. फर्स्ट मैं यहाँ से बटरफ्लाईज की आउटलाइन कर दूंगी, फिर आगे का हम ब्लैक कलर का कलर फिलिंग करेंगे. उसके पहले शायद मैं कलरिंग अंदर का रेड और ऑरेंज कलर का कलर फर्स्ट कर दूं, ताकि वो फिर ब्लैक तक आउटलाइन होगा तो अच्छा दिखेगा. तो फर्स्ट हम अभी इसको देख के हम फटाफट यहाँ पे आउटलाइन बना देते हैं इससे, ताकि मिस्टेक ना हो बाद में. तो अभी स्टार्ट करते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक बटरफ्लाई की विंग्स बना दिए, मैं यहाँ पे भी वही कर दूंगी. तो मैंने बटरफ्लाई के विंग्स कंप्लीट कर दिए. अब मैं इसके अंदर फिलिंग करूंगी, यहाँ पे सिर्फ अंदर का आउटलाइन कर दूंगी. सो मैंने यहाँ पे पूरा बटरफ्लाई कंप्लीट कर दिया है. अब मैं यहाँ पे रेड कलर से पहले फिलिंग करूंगी, रेड और ऑरेंज से. मैं आपको अभी वो दिखाती हूँ. मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर की हेल्प से पहले अंदर फिलिंग करूंगी और फिर आउटलाइन में मैं रेड कलर का यूज करूंगी. देखिए, मैं ऐसे ही पूरा लुक कंप्लीट करूंगी. तो मैंने ऐसे ही दूसरा इस पे भी कंप्लीट कर दिया है पूरा. अब मैं ब्लैक कलर का आउटलाइन मारूंगी, तो उसके लिए मैं एक सेकंड पेंट यूज करूंगी ब्लैक कलर का. अगर आपके पास है फेस पेंट तो आप वो लगाइए. मेरे पास ब्लैक ही है तो मैं ब्लैक फेस पेंट यूज करूंगी और फिर हम इसको आउटलाइन कर देंगे. और फिर उसके बाद हम ऑरेंज कलर से एक बार और शेड मारेंगे, ताकि वो एक बार क्लियर हो जाए अच्छे से. तो अब हम ब्लैक कलर स्टार्ट करते हैं. Thank you.
तो मेरा बटरफ्लाई ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ आउटलाइन, बाकी अंदर का। तो मेरा वन साइड बटरफ्लाई कंप्लीट हो चुका है, अब मैं ऐसे ही सेकंड साइड का भी कंप्लीट कर दूंगी। अपना बटरफ्लाई कंप्लीट कर दिया है, मैंने थोड़ा सा डार्कर शेड भी ऐड किया है, मतलब ब्लैक से थोड़ा हाईलाइट कर दिया ताकि वो और ज़्यादा अच्छा दिखे, क्योंकि कैमरे पे इतना नहीं पिकअप हो रहा है। अब मैं यहाँ पे बोन्स बनाना स्टार्ट करूँगी और अब टीथ भी बनाऊँगी, फर्स्ट मैं ब्लैक से बोन्स बना दूँगी। जैसे इस तरह की आप इधर भी कर दूंगी। मेरे को ये साइड थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ, तो मेरा ये फटाफट हुआ, पर ये बहुत टाइम लगा, बट अब कंप्लीट कर देते हैं इसको। अब मैं इसके अंदर ऑरेंज कलर का शेड कर दूंगी और यहाँ पे टीथ बनाऊंगी। फर्स्ट मैं ऑरेंज कलर का शेड करती हूँ, ये वाला शेड है जो मैंने फर्स्ट अप्लाई करा। अगर इससे होता है तो मैं इससे करती हूँ, मुझे नहीं पता है वर्क करेगा। एंड अब मैं टीथ बनाना अब स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट मैं यहाँ पे एक लाइनिंग करके फिर टीथ ड्रॉ करूँगी, वो भी दिखते हैं। मैंने ब्रश ले लिया, ये सब थोड़ी डाउन हो गई है बट ठीक है, करते हैं। अब हम ऐसे व्हाइट कलर से मैं फर्स्ट करूँ कि ब्लैक, मुझे नहीं पता, बट मैं ब्लैक से ही कंटिन्यू करती हूँ अगर मैंने ब्लैक ही लिया है तो। ये साइड मुझे थोड़ा उल्टा हो रहा है क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, बट मैं इसको ऑफ कैमरा जाके सही करना चाहूंगी क्योंकि बहुत गंदा दिख रहा है ये, तो अब हम ऑफ कैमरा जाके कर। तो मैंने अपना ब्लैक का जो भी करना था कंप्लीट कर दिया है, अब मैं व्हाइट की हेल्प से इसको फिलिंग करूंगी। ऐसे ही मैं नीचे का भी कंप्लीट करूंगी। अब हम इसको एक बार ब्लैक से आउटलाइन कर देंगे। तो मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब मेरे को नोज़ और यहाँ पे हेड पे करने का है। उसके लिए मुझे यहाँ पर भी थोड़ा शेड मारना है और यहाँ से ब्लैक से करने का है, अब मैं वो कर लेती हूँ। फर्स्ट मैं शेड कर देती हूँ ब्लैक से, मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश का यूज़ करके
ब्लैक से शेड मारना स्टार्ट करूंगी। एंड अब मैंने नोज और यहाँ फोरहेड पे भी कलर कर दिया। अब मैं सिर्फ ब्लैक और व्हाइट डॉट्स कंप्लीट करूंगी और आईलैशेस लगा दूंगी फॉल्स। तो फर्स्ट मैं व्हाइट कलर के डॉट्स करूंगी बटरफ्लाईज पे। तो मैंने व्हाइट कंप्लीट कर दिया है। अब मैं ब्लैक कलर के डॉट्स लगाऊंगी। ब्लैक कलर का यहाँ पे और यहाँ पे करना है। एक्चुअली मैं फोन में देख के कर रही हूँ फटाफट। ऐसा कुछ है। अभी यहाँ पे भी कर दी। तो मैंने डॉट्स भी मार दिए। अब मैं फॉल्स लैशेस लगा दूंगी। सो गाइस, ये है मेरा पूरा फाइनल लुक। आपको देखने मिलेगा और पिक्चर्स आपको इधर एंड में मिल जाएंगे। आपको नेक्स्ट क्लिप में आपको पिक्चर्स भी देखने मिल जाएंगे। सो गाइस, आपने मेरे फोटोज वीडियोस देख ही लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।